उत्तराखंड तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। हमारी सरकार सभी चीजों के सरलीकरण पर जोर दे रही है और सरलीकरण में क्योंकि जो शिकायतें आती हैं उनका ठीक प्रकार से समाधान हो, ठीक प्रकार से उनका निस्तारण हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी शिकायतकर्ता या जो भी जिनकी जो भी जरूरत समस्या जो भी यहाँ पर अपने आवेदन के माध्यम से देंगे वो सीधे रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद 1905 हेल्पलाइन में जाएगी और संबंधित विभाग को चली जाएगी और उसका एक डाटा यहाँ पर बना रहेगा, उसमें सारी डेट मेंशन होगी कि कौन सी डेट में वो एप्लीकेशन आई है, उस पर किस डेट पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया हमने चलाई है उसी प्रक्रिया का आधार है। देखिए चूंकि समय की बड़ी महत्ता है और सभी लोगों को, चाहे हमारे सभी कार्मिक हो, जो तय समय है उस समय पर सभी को कार्यालय पर पहुंचना चाहिए और तय समय तक काम करना चाहिए, उसको लेकर बायोमेट्रिक हो या तय समय सीमा के लिए जो भी मापदंड हो सकते हैं, मैंने आज मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर लागू करें। देखिए वन विभाग से संबंधित हमारे राज्य का विकास सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और आज माननीय वन मंत्री पिछले दो दिन से यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की यहाँ समीक्षा की है, बहुत सारे समाधान और निस्तारण दोनों किए हैं, क्योंकि वन विभाग की NOC मिलने के और न मिलने के कारण से बहुत सारे जो हमारे कार्य बाधित होते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि उनको जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर NOC दे दी जाए, उनका निस्तारण कर दिया जाए। माननीय वन मंत्री जी ने सकारात्मक रूप से हमें सब आश्वासन दिया है।